पाकिस्तान ने किया ना मुसलमान मुसलमान मुसलमान, आज कहाँ पहुँच गया है। हमें अडॉप्ट कर लो, हमें अडॉप्ट कर लो बाहर की कौम तो, और ये हमारा जो एटमी प्लांट भी बनाया था वो भी हमसे ले लो। बेसिकली आपकी एक पॉलिसी थी इंडिया को डिस्टर्ब रखा जाए, अब उसका जवाब कभी ना कभी तो आएगा ना। ये कांग्रेस की मोहन सिंह की गवर्नमेंट तो है नहीं कि चुप करके वो सहन करते रहते थे। नरेंद्र मोदी की तरफ से कभी नहीं सुनने में आई, ऐसी है इसीलिए तो वो आगे जा रहे हैं। उनकी देखे ना किधर से उनका कंट्री किधर चला गया, उनकी इंडस्ट्री देखे। एक चीज जिसमें आपको लगता हो अभी पाकिस्तान भारत से आ गया, किसी चीज में नहीं मेरे ख्याल से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जो बिगड़ते हुए हालात हैं, उसके बावजूद वहां के लोगों को अपनी फिक्र से ज्यादा भारत में रहने वाले मुसलमानों की है। जी हाँ, पाकिस्तान में भले ही बिजली ना हो, दवाई ना हो, पैसे ना हो, खाने पीने का सामान ना हो, पेट्रोल ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है अपने मुस्लिम बिरादर से। हमारे देश भारत में भी कुछ ऐसे राजनेता हैं जिनको मुसलमानों के अलावा कोई और नजर नहीं आता। बड़ी अजीब सी बात है, हमारे देश के एक राजनेता को इस बात की फिक्र है कि कश्मीर के डेमोग्राफिक्स में बदलाव आ रहा है। इन जैसे राजनेता और पाकिस्तानियों का बस चले तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रहे और बाकी सबको किसी ना किसी तरीके से खत्म ही कर दे। महबूबा मुफ्ती कश्मीर से रिलेटेड उन्होंने कहा कि जी डेमोग्राफिक चेंज जो है वो कश्मीर में आ रहा है। क्या है डेमोग्राफिक चेंज? वही घिसी पिटी राजनीति। डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान कम हो जाएगा। भारत के संविधान में कब ये कहा गया है कि भाई हम किसी जगह की डेमोग्राफी मुसलमान रखेंगे? भारत के संविधान में कब ये कहा गया है कि यहाँ पे अगर 70% मुसलमान हो गए तो हम उसको फिर वहाँ पे 70% मुसलमान ही रखा करेंगे? तो आपकी मानसिकता, आप इंसान को हिंदू मुसलमान में देखना चाह रहे हो? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मुसलमान नहीं बना था। अगर आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ और उसी की शपथ लेकर के आप चीफ मिनिस्टर बनिए तो वो इंडियन बनाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये आपस की लड़ाई है, लड़ लड़ के पाकिस्तान का नाम ही खत्म ये बेच देंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि ये कहेंगे कि यार ये जो आज़ादी हमारे बुजुर्गों ने ली थी ना, खून देकर ये प्लेट में रख कर दे देंगे और कहेंगे कि आवाम भी इस पर राजी हो जाएगी। हमें अडॉप्ट कर लो, हमें अडॉप्ट कर लो बाहर की हुकूमतों, और ये हमारा जो एटमी प्लांट भी बनाया था वो भी हमसे ले लो। मगर हमें अडॉप्ट कर लो, हमें फैसिलिटेट कर दो, और हमसे गलती हुई है जो हमने आपसे आजादी ली थी। मेरे विचार से पाकिस्तान को भी ये समझ आ जाना चाहिए, अभी तक जो भारत के साथ रिश्तों को अच्छा करके ये पाकिस्तान किसी और के ऊपर एहसान नहीं कर रहा, ये अपने ऊपर एहसान कर रहा है। जो अगर पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं तो भारत किसी तरीके से लूज नहीं करता है, इट्स नॉट अ लूजर। ये क्या भैया, आप दुनिया को कब तक यार इसी लेंस से देखेगा? आप पाकिस्तान आज जो सफर कर रहा है वो यही रीजन है कि वो मुसलमान के आगे बढ़ ही नहीं पाता। वो दुनिया को सिर्फ मुसलमान की दृष्टि से देख। पाकिस्तान में आपको एक्चुअली ये समझाया गया कि मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है। तुम मुसलमान पैदा हुए बेटा, तुमने कद्दू में बहुत बड़ा तीर मार दिया, तुम बहुत तीस मार खान बन गए क्योंकि तुम मुसलमान पैदा हो गए। ऐसे थोड़ा ना होता है, ये तो बेवकूफी की बात। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूं, मैं मुस्लिम हूं, हम मुसलमान मुस्लिम हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुसलमान, ये मुसलमान नहीं, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। देखिए फर्क क्या है, आपने चूर्ण बेचा 70 साल से कश्मीरियों को, वहां उनको टेरर में डाला आपने, उनकी जिंदगियां जाया कर दी, 2-3 जनरेशन आपने बर्बाद कर दिए जो कश्मीरी हैं, उधर के भी और इधर के भी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उसमें मिला क्या स्वाय? आप देखिए सिर्फ फैमिलीज टूटी हैं, उसमें निकला कुछ भी नहीं, एक सिर्फ कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बाहर आने वाली बात, वोला काम है, नथिंग केम आउट ऑफ इट, और निकलना भी कुछ नहीं है। दुनिया जो है भाई वो ह्यूमैनिटी पे जा चुकी है, अरबी ह्यूमैनिटी पे जा चुकी है। तो ये चीजें को ना खाली हिंदू मुसलमान की नजर से देखना, ये सीखना भी नहीं चाहता। पाकिस्तान ने किया ना मुसलमान मुसलमान मुसलमान, आज कहां पहुंच गया है। आप अरबों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, आप जरा तुर्कों का पढ़ लो, आप जरा इजिप्शियन, सब कह रहे हैं आई एम अरब, तुर्क कह रहे हैं आई एम तुर्क, इजिप्शियन कह रहे हैं आई एम इजिप्शियन, इंडोनेशियन कह रहे हैं आई एम इंडोनेशियन। ये इंडिया का एकमात्र मुसलमान है जो कह रहा है हम सिर्फ मुसलमान। ये अच्छी बात नहीं है, ये इंसाफ और अदल नहीं है। मगर ये है कि बहुत टफ हालात हो गया पाकिस्तान के, बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए लोग। जो बेचारे सफ़ेद पोश थे वो तो मरी गए ना समझे तो, और जो गरीब थे उनको तो ख़त्म ही हो गए वो तो। पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे जा रहे हैं। जो कुछ वहाँ पर बहुत एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान में, चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं, उन्होंने ये स्टडी की है, जो अगर पाकिस्तान और भारत के ट्रेड रिलेशंस नॉर्मल हो जाते हैं, पाकिस्तान GDP विल इंक्रीज बाय 1-2%, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। एक अवामी इज्तिमा के अंदर एक सियासतदान कह रहे थे कि अगर आप बॉर्डर 5 मिनट के लिए खोल दें तो भारत देखेगा कि पाकिस्तानी क्या करते हैं। आपको लगता है कि इस बात में हकीकत है कि अगर 10-15 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दिया जाए तो हम ऐसी तैसी कर देंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होगा। अब तो सारी यंग जनरेशन है, एजुकेशन इनके पास है, समझ आ रही है, ऐसी चीज़ें नहीं कर।
तो वो आपको नहीं लगता भारत की डेवलपमेंट से नजर हटाने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं? हो सकता है। बेसिकली आपकी एक तरह से एक पॉलिसी थी कि भी इनको डिस्टर्ब किया जाए, इंडिया को डिस्टर्ब रखा जाए। अब उसका जवाब कभी ना कभी तो आएगा ना। ये कांग्रेस की मोहन सिंह की गवर्नमेंट तो है नहीं कि चुप करके वो सहन करते रहते थे, ये बीजेपी की गवर्नमेंट है। ये थोड़ा सा स्ट्रांग स्टेप्स लेती है। सो अगर हमने सहन किया है, अब थोड़ा सा आपको भी आदत डालनी चाहिए सहन करने की, अगर हमारी तरफ से कुछ होता है तो। और देखिए तकलीफ हमें हो गई 8-9 साल तो हो गए, और क्या चाहते हैं आप? कश्मीरी का मतलब तुम मुसलमान कैसे बना के रख दी हो तुम? अगर तुम्हें इतना कश्मीर से प्रेम होता तो जो कश्मीर के मंदिर टूटे उनमें जाकर के आप उसको रिवाइव कराती, आप रोकती वहां पे। आपको यार ये गजब देखने का इनका तरीका है। डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, हिंदू आ रहे मुसलमान। आपको अलबरूनी की किताब पढ़ा दूंगा, वो कहता है कि कश्मीर वाज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिंदू साइंस। ये अलबरूनी कह रहा है 1035 में, 1035 में, आज से मुश्किल से 1000 साल पहले। ये मुस्लिम कंट्रीज नरेंद्र मोदी को क्यों अवार्ड दे रही है? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को क्यों नहीं अवार्ड मिल रहा? सर वो सिर्फ वो दाना डालते हैं कि ये देखिए हम आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं पाकिस्तानियों को। इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तानियों को नीचा दिखा रही है, दिखा रही है। कि जब यहाँ का एक शहरी देखेगा कि मेरी पड़ोस की कंट्री में कितनी डेवलपमेंट हो रही है और मैं कहाँ रह रहा हूँ, और यहाँ पे लोड शेडिंग का मसला अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा। बस यही है ना, हमें और उनमें बड़ा फर्क रह गया। वो हालांकि दूसरे मुल्क के साथ मुज़ाकरात अच्छे करते हैं, हम उधर के आ जाते हैं, हम भीख मांगने जाते हैं, हम ये कहते हैं कि हम मांगने वाले नहीं है, लेकिन हम फिर हमें पता है आप हमारी मदद करते हैं। ये सना थोड़ी वजीर आजम हमारे मुल्क का स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी की तरफ से कभी नहीं सुनने में आई। ऐसी है, इसीलिए तो वो आगे जा रहे हैं। उनकी देखे ना किधर से उनका कंट्री किधर चला गया, उनकी इंडस्ट्री देखें। हालांकि हमारे इधर फसल प्याज हम मंगाए ना इंडिया से, तो वो प्याज हमें इतना सस्ता मिले हम सोच भी नहीं सकते। कोई एक चीज़ जिसमें आपको लगता हो अभी पाकिस्तान भारत से आ गया? किसी चीज़ में नहीं मेरे ख्याल से।